अभित्रेत कल्याणे, अभित्रेत कल्याणे, पापा चित्तं निवारे, दंधं हि करो तो पुण्यं, पापस्मीरं तो मनु, पापस्मीरं तो मनु। भगवान बुद्ध कहते हैं अभित्रेत कल्याण, अभित्रेत शीघ्रता करे, अभित्रेत का मतलब है शीघ्रता करे, शीघ्र करे किसके लिए, कल्याण के लिए। जो कुशल कर्म है हमारे मन में आता है तो उसे तुरंत करे, उसके लिए टाइम न लगाए, पता नहीं फिर वो समय आएगा नहीं आएगा, गुजर गया तो पता नहीं फिर वो जो समय लौट के आने वाला नहीं है, जो समय गुजर गया वो लौट के आने वाला नहीं। अपनी जिंदगी में आप देख सकते हो जो पल गुजर गया है क्या वो दोबारा आ सकता है, क्या हम जवान दोबारा हो सकते हैं, आज बुढ़ापे में आ गए क्या हम जो है किशोरावस्था को पा सकते हैं, जो गुजर गया वो गुजर गया आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध यहां पर कह रहे हैं कि पुण्य कर्म करने में शीघ्रता करें, कुशल कर्म अगर आपके मन में आ गया है, विचार आ गया है तो उसे तुरंत करिए, अन्यथा समय गुजर गया तो फिर जो है वो हाथ आने वाला नहीं। पापा चित्तं निवारे, और जो पाप कर्म है, जो अकुशल कर्म है, जो हमको पतन की ओर ले जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों को अपने चित्त से दूर करे, अपने मन से दूर करे, अपने विचारों में भी न आने दे। तद्धन करोति करो ही करो तो पुण्य, तद्धन करो तो ही करो तो पुण्यं। अगर पुण्य करने में आपने देरी कर दी, पुण्य कर्म करने में आपने देरी कर दी, कुशल कर्म करने में देरी कर दी, तो फिर क्या होगा, पापस्मी रम तो मनो, ये मन में जो है पाप कर्म जो है रम जाएंगे, ये रत होने लगेंगे, हमारे मन में क्या है अकुशल कर्म वास करने लगेंगे। बहुत अच्छी गाथा है ये, भगवान बुद्ध एक बार जेतवन में विराजमान थे, जेतवन आपको पता है श्रावस्ती में, आज सहेट महेट बोला जाता है जिसको, उत्तर प्रदेश के जो है बिहार के उसमें जो है सीमा पर पड़ता है, तो वहां पर श्रावस्ती के अंदर एक जो है बहुत ही कृपण, बहुत ही गरीब, जिसके पास खाने का भी बड़ा मुश्किल से हो पाता था, बहुत हालत खराब थी उसकी, एक कृपण बमन था, उसके पास उसके घर में जो है तन ढकने के लिए भी कपड़े उपलब्ध नहीं, उसके घर में मात्र एक चादर थी जिसे ओढ़ करके अपना तन ढक करके वो बाहर जाते थे, लेकिन जोड़ी थी, मियां बीवी दोनों थे। तो जब बमन बाहर जाता, पुरुष बाहर जाता, तो वो ओढ़ जाता उस चद्दर को, महिला घर में रहती, घर से बाहर नहीं जाती, जब महिला बाहर जाती तो वो घर में रहता, वो ओढ़ के चली जाती उस चद्दर को। यही एक चद्दर थी जिसे बारी बारी से दोनों पति पत्नी ओढ़ते थे, एक को घर में रहना पड़ता था, लेकिन तथागत जेतवन में आ गए, और जब उन्होंने सुना, बमन ने सुना, चूल्हे साटक नाम था, उसने सुना कि भगवान तथागत जेतवन में आए हुए हैं, प्रवचन करेंगे, धम्म प्रवचन करेंगे, धम्म सुनाएंगे, और धम्म हमको सुनना है जिससे हमारा ये जीवन ठीक हो जाए, हमारा जीवन जो है कुछ अर्थपूर्ण हो जाए, इस जीवन का कुछ अर्थ हम समझ जाएं। तो वो अपनी भारिया से बोला के, सुनो भाग्यवान,
भगवान तथागत आए हुए हैं चेतवन में और हमको उनके प्रवचन सुनने जाना है। तो अब देखिए आप किधर जाओगी, आप दिन में जाओगी या रात में जाओगी सुनने के लिए। तो भारिया बोली कि मैं दिन में जाऊंगी। क्या ठीक है, मैं रात में चला जाऊंगा क्योंकि चद्दर एक ही है, उसी को उड़ के जाना है। क्या हो गया जी, अब वो जो है उनकी महिला थी वो जो है दिन में चद्दर उड़ के चली जाती और रात में वो कमल चला जाता चद्दर उड़ के। एक दिन की बात है, शाम ढल चुकी थी, उसकी महिला जो है वहां से प्रवचन सुन के भगवान बुद्ध का धम्म सुन करके वापस आई और उसने वो कपड़ा उतार करके ब्राह्मण को उसको दे दिया, बमन को पुरुष को, और वो जो है उस शरीर को अच्छी तरह ढक करके और ब्याह चला गया। सभा जुड़ी हुई थी, प्रवचन चल रहे थे, भगवान बुद्ध की वंदना की उसने, वंदना करके एक और बैठ गया और वो जो है धम्म श्रवण सुनने में वो इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया और सभी प्रकार से वो आनंदित हो रहा, वहां पर सभी प्रकार से आनंदित हो रहा, उसका मन बहुत ही ओतप्रोत हो गया आनंद में, भाव विभोर हो गया। और जब उसके मन में कुछ गुदगुदाने लगा, उसके मन में आया कि मैं तथागत को कुछ तो भेंट दूं, उनके सम्मान में कुछ तो दूं, मैं कुछ तो अर्पण करूं, कुछ तो कृतज्ञता व्यक्त करूं मैं, उसके मन में ये बात आने लगी। लेकिन वो सोचे कि मेरे पास है क्या देने के लिए, कुछ भी नहीं है, तथागत को क्या दे सकता हूं, मैं तो कृपण हूं, मेरे पास कुछ भी है नहीं है, एक ही चद्दर है ये मेरे पास में। उसका मन कुंठित होने लगा, सोचता रहा बैठा बैठा, उसके पास सिर्फ एक ही चादर है, इसे दे सकता है, इसके बगैर भी वह रह सकता है, लेकिन मेरा काम तो चल जाएगा, मैं तो रह लूंगा, लेकिन मेरी घरवाली का कैसे काम चलेगा, वो तो बगैर वस्त्र के बाहर नहीं आ सकती, क्या करूं। विचार उसके मन में पैदा होने लगे, स्वार्थ फूटने लगा, श्रद्धा थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उसके मन के अंदर वो विचार जो है गोता खाने लगे और अंत में उसके मन में विचार आया, अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, तथागत के बारे जो धम्म की कसौटी है, भगवान जो हम बता रहे हैं कि मैं कैसे ब्राह्मण हो सकता हूं, मैं कैसे ब्राह्मण हो सकता हूं, सोचिए। तो भगवान बुद्ध एक जगह और बताते हैं कि यहां पर जो ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण कौन होता है, तो भगवान बुद्ध यहां पर कहते हैं कि यस्य पुरे च पच्छा च मध्ये च नत्थि किंचनं अकिंचनं अनादानं तमं ब्रूमि ब्राह्मण। भगवान बुद्ध यहां पर कहते हैं कि जिसका पूर्व समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, समन हो चुका है जिसके पूर्व का, जिसका पश्चात भविष्य भी पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, वहां भी कुछ नहीं रहा है, और जिसका मध्य यानी वर्तमान भी समन हो चुका है, जिसके वर्तमान का समन हो चुका है, जिसने वर्तमान को भी खत्म कर लिया है अपने को, किंचन हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा है, कुछ शेष नहीं बचा है, जो अकिंचन है, जो अपरिग्रही है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ त्याग दिया जिसने, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, उसको मैं क्या कहता हूं,
ब्राह्मण कहता हूं मैं, जो वमन उसको कहता हूं जिसने सब कुछ त्याग दिया है। यह भी बड़ी अच्छी कथा है। तो कथा में से कथा निकलती है, पिशाच नामक एक उपासक था, भगवान बुद्ध बेनुमन में विहर रहे थे। उस समय उसने भगवान बुद्ध का उपदेश सुन अनागामी पर्व को प्राप्त हो गया और घर जाकर के अपनी भारिया से बोला कि मैं परिव्रजित होऊंगा, मैं भगवान बुद्ध का श्रावक बनूंगा, ये संपत्ति जितनी भी है आप ले लीजिए, आप अपना जीवन निभा सकते हो इसमें, गृह गृहस्थी के सारे सरोकारों से अपने को दूर रख रहा हूं मैं, अब दूर कर रहा हूं, मैं गृह त्याग करूंगा, सारी संपत्ति लेकर के तुम घर चली जाओ। ऐसा किस्सा जो हम आकाश्यप के साथ भी था आपने सुना होगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ी कुनी है। तो उसकी पत्नी का नाम आप जानते हैं धम्मदिना था, बहुत बड़ी भिक्कुणी हुई। वो बोली जी नहीं, मैं आपके यहां से नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली यहां से, जिसे तुम मुझे देना चाहते हो इसका क्या मैं करूंगी, मैं क्या करूंगी इसका, मेरे लिए तो बेकार है, इसे कौन लेगा, ये तो थूक के बराबर है। विशाख बोला फिर क्या करोगी। तब धम्मदिना बोली कि आप मेरे ऊपर एक उपकार कर दीजिए, एक उपकार कर दीजिए। क्या उपकार कर दीजिए, विशाख बोला बताइए क्या चाहिए तुम्हें, कहकर उसका समर्थन किया। तो धम्मदिना बोली कि ऐसा करिए मुझे प्रिव्रजा दिलवा दीजिए, मुझे प्रिव्रजा दिलवा दीजिए। तो विशाख ने बड़ी अच्छी तरह से जब ये बात हुई तो उसने स्वीकृति दे दी और बहुत बड़ा उत्सव कर करके उसने जो है गाजे बाजे के साथ उसको ले गया और जो है भिक्कुणी संघ में उसको जो है प्रिव्रजा दिलवा दी। प्रिव्रजा दिलवा दी तो होता क्या, अगर धम्मदिना ने भगवान बुद्ध का उपदेश सुन अनागामी फल को प्राप्त किया और वह भिक्कुणी संघ के साथ प्यार करने लगी। कुछ समय बाद वह संघ से आज्ञा ले एक छोटे से गांव में के बिहार में ध्यान और विपस्सना करने चली गई और थोड़े ही समय में उद्यम करके वो जो है अर्हत बन गई। जब अर्हत प्राप्त कर लिया तो अर्हत प्राप्त करने के बाद वह जो राजगृह लौटी, जब राजगृह लौटी तो एक दिन विशाख जो है एक दिन विशाख ने उसके पास जाकर कुछ प्रश्न पूछे तो धम्मदिना ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें से कुछ प्रकार इस प्रकार थे, आप तलाशते रहते हैं बार बार बताते रहते हैं, हमारे आदरणीय धमचारी नागरत्न जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, बोधि प्रकाश जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, कई बार सुने हैं आपने। तो वो पूछता है कि सत्काय क्या है, सत्क्या क्या है, सत्काय सत्काय हाँ। तो हमारे अष्टांग मार्ग में पहला जो अंग आता है तो उसमें आता है सत्काय दृष्टि, हाँ शब्द है सत्काय दृष्टि। तो सत्काय क्या है वो पूछता है विशाख धम्मदिना से कि सत्काय क्या है, तो वो कहती है कि ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान उपादान स्कंद हैं, इनको ही भगवान बुद्ध ने सत्काय कहा गया है, इन्हीं को भगवान बुद्ध ने इसी को तथागत ने सत्काय कहा है। तो हमारे पास तो ये हर समय लगे रहते हैं, रूप भी हमारे पास है, वेदना भी है, संज्ञा भी है, संस्कार भी है, हैं और विज्ञान भी है, पांचों उपादान ये हमारे साथ लगे हुए हैं, तो हम कहां फंसे पड़े हैं, सत्काय में फंसे पड़े हैं। फिर कहता है वो, पूछता है वो क्या आर्य ये सत्काय दृष्टि क्या है, पहला पूछा सत्काय क्या है, अब क्या है सत्काय दृष्टि क्या है। तब वो धम्मदिना कहती है आवोश आर्यों के दर्शन से वंचित, आर्य धर्म से अपरिचित, अविनीत सत्पुरुषों के दर्शन से वंचित, सत्पुरुषों से अविनीत अज्ञ पृथक जन
पुरुष रूप को आत्मा करके देखते हैं। हाँ, आत्मा करके समझ में नहीं आता। आज सभी जो है आत्मा और परमात्मा के पीछे पड़े हुए, सभी क्या देख रहे हैं, ये आत्मा करके देख रहे हैं। रूपवान को आत्मा देखती है, आत्मा को रूप देखता है, रूप को आत्मा देखती है, वेदना को आत्मा देखती है, आत्मा को वेदना देखती है। इसी प्रकार से संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को आत्मा देखती है। यही तो सत्का दृष्टि है, यही तो सत्का दृष्टि है। हम इसको आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और जब हम छह धातुओं का ध्यान करते हैं तो उसमें इस चीज का सबका पता चल जाता है कि आत्मा नाम की कोई ठोस चीज इसके अंदर है ही नहीं। ये समझ में आ गया, विशाख भी परिव्राजक बन चुका था, सावक बन चुका था भगवान बुद्ध का, उसने भी प्रविज्ञा ले चुका था। तब फिर वो बोलता कि आर्य, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग संस्कृत है असंस्कृत है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे समझने के लिए। तो वो धम्मदिना बोलती है कि आर्य, ये संस्कृत है असंस्कृत नहीं। इस प्रकार विशाख ने प्रथम तीनों मार्ग के बारे में पूछा और धम्मदिनाश ने उसे संतुष्ट किया, सम्यक उत्तर दिया। परंतु जब उसने अर्हत मार्ग और अर्हत फल पर प्रश्न किए, अर्हत मार्ग और अर्हत फल पर प्रश्न किया, तो वह बोली, उपासक, यह तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि से परे, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। मैं उत्तर दूंगी भी तब भी आप समझ नहीं पाएंगे। ये तुम्हारे जो स्तर है, तुम्हारी बुद्धि का जो स्तर है, तुम्हारे विचार का जो स्तर है, उससे बहुत आगे है। निर्वाण पर्यावसन है, पर्यावसान वसान है, यानी निर्वाण को हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते, उसे परिभाषित नहीं कर सकते। निर्वाण को कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। अगर इच्छा हो तो जाकर शास्त्रा से आप जो बात कर सकते हैं, शास्त्रा से ही ऐसे प्रश्नों को आप पूछिए, शास्त्रा ही इसको बता सकते। तो विशाख जो भगवान के पास पूछ गया, वेणु बने मौजूद थे, वो जाकर प्रणाम किया, सारा वृतांत सुना दिया उसको, वृतांत सुना दिया। तब जो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी पुत्री धम्मदिना, आप जब शरण वृक्ष की साधना करते हैं तो उसमें अर्थ संघ के अंदर धम्मदिना का नाम आता है, भिक्खुणी धम्मदिना का नाम जो अर्थ संघ में आता है, हमारे शरण वृक्ष के अंदर भी धम्मदिना का नाम मौजूद है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्मदिना ने सब ठीक कहा है, जो कुछ भी उसने बताया बिल्कुल ठीक ठीक बताया। मैं भी इन प्रश्नों का यही उत्तर देता, विशाख धम्मदिना पंडिता है, महाप्रज्ञावान है, उसने अर्थ को पा लिया है, वह ब्राह्मण है, मध्य में कुछ भी नहीं है, वो रिक्त हो चुका है, वो पूरी तरह से रिक्त हो चुकी है, खाली हो चुकी है, यह अकिंचन है, अब परिग्रही है, वो संग्रहण नहीं करती, जिसके पूर्व पश्चिम मध्य कुछ भी नहीं है, जो किंचन और परिग्रह रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और वहां पर भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही कि यस्य पुरे च अपच्छाच मध्ये च नत्ति किंचनं अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण। तो यहां पर जो ब्राह्मण बताया गया है इस गाथा के अंदर कि अरे मैं ब्राह्मण हूं, अपने बारे में सोच रहा हूं, और तथागत के धम्म की कसौटी तो ब्राह्मण कैसे हो सकता हूं मैं? अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूं तो ब्राह्मण में कैसे हो सकता हूं? बहुत बड़ी सोच है, हम नहीं सोच पाते वहां तक। अगर मैं ऐसे ही स्वार्थपरत विचारों में जकड़ा रहा, मैं स्वार्थ में जकड़ा रहा और मैं आस्था और स्वार्थ के बीच फिसलता रहा, इसमें झूलता रहा, इधर कभी इधर तो कभी इधर वारे पड़ने में, तो कभी इधर वारे पड़ने में,
हाँ उआपोह में। और इस प्रकार से जो विचार करते करते 2 घड़ी उसकी बीत गई। वह फिर सोचने लगा, अगर स्वार्थ का पल्ला भारी हो गया तो दुखों से मेरा सिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर मेरा स्वार्थ का पल्ला भारी हो गया तो मैं जो है इससे कभी निकल नहीं पाऊंगा, इस दुख से नहीं निकल पाऊंगा, भव चक्र को नहीं काट पाऊंगा, मैं दुख के दलदल में ही दबा रह जाऊंगा। तो मुझे कुछ न कुछ तो भेंट करनी ही चाहिए, हमको भी कुछ न कुछ तो भेंट करनी ही चाहिए, कुछ न कुछ धम के नाम पर देना ही चाहिए, थोड़ा दीजिए लेकिन वो निरंतरता उसके अंदर आनी ही चाहिए। इन विचारों की बीती में उलझे हुए वो चुलेख से टकने आखिरकार निर्णय कर लिया और वो स्वार्थ उसका हार गया, बुद्ध के श्रद्धा की जीत हुई और वो अपना चद्दर उतार के अपने शरीर से वो चद्दर को लेकर के दोनों हाथों में और तथागत को समर्पित कर दिया। तथागत को समर्पित कर दिया और जब तथागत को समर्पित कर दिया तो वहीं से वो बोल गया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, चिल्लाने लगा। बड़ा खुशी, राजा प्रसेंजित बैठा हुआ था वहां पर, राजा बैठा हुआ है, वो श्रवण कर रहा था, उन्होंने भी वो आवाज सुनी, बोले अरे उससे पूछो क्या जीत लिया, क्या जीत गया, किसको जीत लिया, क्या विजित कर लिया। राजा के सिपाहियों ने पता लगाया तो ब्राह्मण ने अपनी पूरी मनोदशा का व्याख्यान कर दिया, पूरा का पूरा जो मनोदशा थी उसकी, उसका उसने व्याख्यान कर दिया कि इस तरह से मैंने जीत लिया। तो उन्होंने जाके राजा को बता दिया। तब राजा ने अपने सिपाहियों को, नौकरों को ऑर्डर दिया कि जाओ एक जोड़ी कपड़ा लेके आओ उसके लिए। उसको एक जोड़ी कपड़ा लाके दिया, जैसे उसके हाथ में कपड़ा आया वो कपड़ा ले जाके भगवान तथागत के चरणों में रख दिया उसने। फिर उसको 2 जोड़ी मंगाए, वो 2 जोड़ी मिले वो भी रखे तथागत के चरणों में रख दिया ले जाके। फिर उसको 4 जोड़ी मंगाए वो भी ले जाके तथागत के चरणों में रख दिया। फिर उसको 8 जोड़ी मंगाए वो भी ले जाके तथागत के चरणों में रख दिया। फिर 16 जोड़ी मंगाए फिर भी तथागत के चरणों में ले जाके रख दिया उसने। फिर 32 जोड़ी मंगाए वो भी उसको उसने जो तथागत के चरणों में रख दिए। फिर उसने राजा ने कहा कि अब इसके लिए कीमती शॉल ले दिया, तो उसके लिए उसने 2 चादरें मंगाई और 2 चादर दी, जो घर में 2 ही आदमी थे, एक उसके लिए एक उसकी भार्या के लिए। लेकिन उसने क्या किया कि एक चादर जहां भगवान बुद्ध बैठे हुए थे वहां उसने जो बेशकीमती चादरें थी, राजा प्रसन्न जितने उसको दी थी बेशकीमती चादरें थी, उनमें से एक तो वहां पर जो है उसने टांग दी जहां पर भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, वहां छाया कर दी उनके ऊपर, और 1 चादर ले जाके अपने घर के सामने जहां पर भिक्षुक आगे श्रमण खड़े होते थे भिक्षा के लिए, उनके ऊपर टांग दी, वहां पर अपने लिए कुछ नहीं रखा, आच्छादित कर दिया वहां पर जो टांग दी उसने। राजा तथागत के दर्शनार्थ गया, उसने भगवान के आसन के ऊपर सजा हुआ वो ताल देखी, जो चादर उसने दी थी राजा ने पहचान ली कि ये चादर तो मैंने उसको दी थी चुलेख साटक को। राजा ने पहचान लिया, वह बोला पूज्य भगवान यह उपहार आपको किसने भेंट किया। भगवान से पूछा उन्होंने तथागत से राजा ने कि ये भेंट किसने किया है। भगवान बोले कि चुलेख साटक ने दिया है, ये वो ये टांग गया है। राजा बोला, सोचने लगा कि जैसा मैं सोचता हूं और आनंद विभोर होता हूं वैसे वह ब्राह्मण भी विश्वास करता है, भगवान के ऊपर जो है वो भी ऐसी विश्वास करता है, आनंदित होता है। तो राजा अब क्या करता है उसके लिए, राजा ने 4 हाथी 4 घोड़े 4,000 मुद्राएं 4 परिचारिकाएं और 4 गांवों की जागीर दे दी उसको, उसके नाम इतना संपत्ति कर दी। तो एक दिन भिक्षुओं में ये चर्चा चलने लगी, आप जानते हो कि चर्चा तो भिक्षुओं में चलती है जब ऐसे काम हो जाते हैं। तो वे आपस में बोले कि अरे चुलेख साटक का कृत्य कितना अनोखा है, उसे सब वस्तुएं 4 के घटक में मिली, सब चीजें 4-4 के रूप में मिली, 4 हाथी मिले,
चार घोड़े मिले, 4,000 मुद्राएं मिली, 4 परिचारिकाएं मिली और 4 गांव मिले। उसे सब वस्तुएं 4 घटक में मिली। जितना शीघ्र उसने पुण्य कर्म किया उतना ही त्वरित अनोखा है, उसे सब वस्तुएं 4 के घटक में मिली। भगवान चार का करते हुए फिर रहे थे, उन्होंने पूछा भिक्षु किस बात पर चर्चा हो रही है। भिक्षु ने सारी बात बताई। भगवान बोले चूल्हे के साटक ने पहली घड़ी में बुद्ध को अर्पण करने का सोचा, पहली घड़ी में क्या सोचा था कि मैं बुद्ध को कुछ अर्पण करूं, इसलिए उसे 16 वस्तुएं मिली। दूसरी घड़ी में उसने बुद्ध को अर्पण करने हेतु तत्पर हुआ, उन्हें देने के लिए तत्पर हुआ। पहले सोचा उसने, दूसरे में उसे तत्पर हुआ देने के लिए, तो उसको जो है क्या हुआ, तत्पर हुआ तो उसे 8 उपहार मिले। अंतिम घड़ी में बिना विलंब किए उसने वस्तुएं अर्पित की, जो कुछ राजा उनको देता रहा वैसा ही वैसा वो जो है अर्पित करता रहा। उसने कोई भी सोचा नहीं, कोई विचारा नहीं, धनादन जो है जैसे इधर से आ रहे हैं वैसे उधर देखता चला जा रहा है। हाँ, उसके मन में ऐसा पुण्य कर्म उठता कि अच्छा कार्य करना चाहता है, पुण्य कर्म करना चाहता, उसे अपने मन में पुण्य करने के लिए उत्पन्न वृत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो उसने जो सोचा तो उसे क्या हुआ कि 4 के घटक में उसको जो है उपहार मिले। जो वो देता गया शीघ्र ही देता गया, उसने अपने पास रुकने नहीं दिया, इसलिए उसको क्या मिला, 4 के घटक में उपहार मिले। तो इस प्रकार से हमको भी ये जो है, अगर हमारे मन के अंदर कोई ऐसी चीज आता है, विचार आता है कि हमको दान करना है, तो तुरंत ही उसको कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर वो समय आने वाला नहीं है। तो अच्छे काम को तुरता से संपन्न करना चाहिए, तो उसे ऐसे ही उपहार पुरस्कार जो है मिल सकते हैं, और हम पुण्य का के लाभ से वंचित हो जाते हैं अगर हम उसको अंजाम नहीं देते हैं, तो पुण्य के लाभ से हम जो है वंचित हो जाते हैं। हाँ, उसकी जगह दूसरी चित्त प्रवृत्तियां उभर आती हैं। अगर हमने देने में देर कर दी, अगर हमने कुशल कर्म करने में देर कर दी, तो हमारे मन के अंदर जो है अकुशल वृत्तियां जो है उभर आती, कोई दूसरी वृत्तियां उभर आती हैं। पता नहीं समय फिर आएगा नहीं आएगा, फिर वो टाइम उस तरह की वो चीज बनेगी नहीं बनेगी। पुण्य कर्म करने में देरी करने पर मन में पाप आ जाता है, पुण्यकारी कार्य करने में मनुष्य ढलाई बरतेगा तो उसका मन पाप कर्म या अशुभ कर्म में लग जाएगा। अगर पुण्य कर्म करने में ढिलाई हमने बरत दी और यही होता रहता हमारे साथ, तो हमें इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो अब इस अशुभ कार्य में लग जाएगा, जो पुण्य कार्य उससे होना था वह होने से रह जाएगा। और यह कर करके भगवान बुद्ध ने यहां पर यह गाथा कही थी कि अभिथरेथ कल्याणे, यानी पुण्य करने में शीघ्रता करें। अगर आपके मन में पुण्य की आ गई है, कोई कुशल विचार आ गया, तो उसे जल्दी करिए, उसे जाने मत दीजिए, शीघ्रता करें। पापा चित्तन निवारे, और जो अकुशल हमारे मन के अंदर बसा हुआ है, जो अकुशल समाया हुआ है, उसे हमें बाहर निकालना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए, उसको रुकने नहीं देना चाहिए, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए अपने मन के अंदर, तुरंत निकालिए उसे। दद्धं करो तो पुण्यं, अगर हमने पुण्य कर्म करने में, कुशल कर्म करने में देरी कर दी, अगर विलंब कर दिया, तो क्या होगा, पापस्मी रमति मनो, तो हमारा मन जो है अकुशल कर्म में लग जाएगा, हमारे मन के अंदर अकुशल कर्म जगह बना सकते हैं। तो ये जो है भगवान बुद्ध की गाथाएं थी, मैंने आपको सुनाया, बड़ी अच्छी तरह से आपने सुन लिया है। ये दान के ऊपर है, बहुत अच्छी तरह से, एक ब्राह्मण के ऊपर और दान के ऊपर है पूरी, कि हम जो है अपने जीवन में क्या छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। अरे हम तो समय भी छोड़ने को तैयार नहीं है, समय भी छोड़ने को तैयार नहीं है। समय तो हम दे सकते हैं, टाइम से तो आ सकते हैं धम सुनने के लिए, लेकिन वो भी देने को हम तैयार नहीं है, उसके लिए भी हम तैयार नहीं है। द्रव्य तो तब देंगे हम, तो छोटी छोटी चीज अपने जीवन में जो आ रहा है, कुशल कर्म आ रहा है, उसको हमें शीघ्रता से करना चाहिए। बहुत ही आपका धन्यवाद, साधुवाद, पुण्यानुमोदन।
आपने सुन लिया बड़े ध्यान से। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।